हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बिहार के अपवाह तंत्र को डिटेल से समझा जाए, देखा जाए। बिहार के अपवाह तंत्र मतलब क्या होता है। अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि नदियाँ, ठीक है। तो बिहार की नदियों के बारे में, जो नदियों का जाल जो है बिहार में, उसको समझे गए एक एक करके। पिछले पार्ट में बिहार का जो स्पेशल जो हम लोग चल रहा बिहार स्पेशल करके, तो उस पिछले पार्ट में हम लोग बिहार के बारे में, बिहार का सामान्य परिचय, बिहार का भौतिक विभाजन, बहुत सारी चीज़ें उसमें डिटेल से देखे थे। आज जहाँ तक हो पाएगा इस सारी चीज़ों को आगे देखा जाएगा। पार्ट टू है ये, ठीक है। अगर आप पार्ट वन नहीं देखेंगे तो इसी कमेंट में आप लोगों को या इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पार्ट वन का, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और शुरू करते हैं इस अपवाह तंत्र की आज की क्लास को। तो सबसे पहले ऊपर में देखेंगे तो लिखा है बिहार का अपवाह तंत्र, मतलब क्या हुआ कि बिहार की नदियों का जो जाल है उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले देखिए ऊपर में लिखा है बिहार की नदियाँ। अब पहला लाइन जो लिखा हुआ है कि बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य, मतलब क्या। तो बिहार में ढेर सारी नदियाँ हैं, यहाँ नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया। अब दो वर्ग किन किन भागों में बांटा गया, मतलब बिहार में जितनी भी नदियाँ हैं उनको दो भागों में बांटा गया। एक नदिया को कहा जाता है हिमालयन नदियाँ, दूसरे को प्रायद्वीपीय नदी कहा जाता है या पठारी नदियाँ कहा जाता है। क्यों, कारण क्या है कि बिहार का उत्तर भाग में है माउंटेन, हिमालय पर्वत, ठीक है। और ये हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ हिमालय नदी कहलाती है। और वही बिहार के जो दक्षिण भाग है वो पठारी भाग है, ठीक है। तो पठारी भाग होने के कारण वहाँ से जो नदियाँ आती है उनको पठारी नदियाँ कहा जाता है। अब एक एक करके देखेंगे हिमालय नदियों में क्या फ़ायदा है, पठारी नदियों से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तो जो हिमालयन नदी है वो सदा नीरा है। सदा नीरा मतलब क्या होता है, सालों भर में पानी रहता है, वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियां हैं, मतलब जल प्रवाहित होती रहती है, जल उसमें घूमती रहती जाती रहती है। जबकि पठारी नदियां ये वर्षा पर आधारित नदियां हैं, यानी बारिश हुमच के होगा तो पानी रहेगा, बारिश नहीं हुआ तो कौन है उसमें पानी वानी बहुत कम हो सकता है कि कभी कभी सूख भी जाता है। दूसरा क्या लिखा है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित, उत्तर से दक्षिण मतलब क्या होता है, नॉर्थ दिशा किधर होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी मानचित्र में नॉर्थ दिशा हमेशा ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ यानी उत्तर से नीचे दक्षिण की तरफ यात्री नदियाँ दिखती है। क्यों, क्योंकि बिहार के उत्तर में ही है हिमालय पर्वत। क्योंकि हिमालय पर्वत बिहार के उत्तर में क्यों है, बिहार का उत्तरी जो भाग जो है बिहार का, उस साइड में है नेपाल, ठीक है। कौन सा है देश, नेपाल देश है। और नेपाल में है हिमालय पहाड़ की शिवालिक की चोटियाँ, हिमालय की तो सब चोटियाँ लेकिन शिवालिक जो है बिहार और हिमालय से आसपास में सटे हुए एरिया में आ जाता है, ठीक है। अब उस साइड से यानी कि हिमालयन से निकलने वाली नदियाँ जो है बिहार में आती है, बिहार में एंटर करके बिहार के बीचों बीच एक नदी गुजरती है जिसका नाम है गंगा नदी। और इस गंगा नदी में आके मिलती है कौन सी नदी, बहुत सारी नदी आके मिलती है, जिसकी दिशा अगर देखा जाए तो ये उत्तर से आके दक्षिण की तरफ आ रही है। तो कहाँ से आती है, उत्तर से दक्षिण। जबकि जो पठारीय नदी है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है। और ये डायरेक्शन याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ना कि सोन नदी किधर से आके किधर मिलेगा, कमला नदी किधर मिलेगा, बागमती किधर मिलेगा। कभी कभार क्वेश्चन पूछता है उत्तर से आने वाली निम्न में से कौन सी नदियाँ हैं, दक्षिण की तरफ से आने वाली निम्न में से कौन सी नदियाँ हैं, गंगा में उत्तर से मिलने वाली नदियाँ कौन सी है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कशन करूँगा। बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, एक ना एक क्वेश्चन चिपक ही जाएगा आप लोग एग्जाम में, एकदम 100% कोई ना कोई एग्जाम में तो आना ही है, ठीक है, आएगा एकदम बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि उत्तर से आने वाली नदियाँ हिमालय नदियाँ, दक्षिण की तरफ से आने वाली जो नदियाँ है वो पठारी नदियाँ। दूसरा क्या लिखा है कि ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती है और ये नदियाँ अनुवर्ती होती है। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती मतलब क्या होता है, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का मतलब समझेंगे लोग, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के बारे में जानते हैं लोग। अभी इसका मतलब सिंपली समझिए, देखिए पूर्ववर्ती मतलब होता है कि वे नदियाँ जो पहले से चलती आ रही थी, पहले से मतलब क्या कि देखिए बहुत सारी नदियाँ जो है पहाड़ों से निकलती है, मोस्टली नदियाँ जो है पहाड़ों से निकलता है, ठीक है। अब जो पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती है तो बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो पहले से ही बना हुआ है, यानी कि नदी मान के चलिए यहाँ पर ऐसे बह रहा है, ये नदी हो गया, मान के चलिए कोई भी नदी हो गया, बाद में यहाँ पर नया चले कि आगे पहाड़ बन गया, क्या बन गया भैया, पहाड़ बन गया। अब बहुत सारी ऐसी नदियाँ होती है जब पहाड़ बन जाता है ना, तो ये पहाड़ की वजह से नदियाँ क्या करती है, अपना मार्ग बदल देती है। जैसे ये पहाड़ बन गया, अब नदियाँ जो है ना यहाँ से निकलेगी इधर भाग जाएगी, इधर जाने लगेगी। और बहुत सारी नदियाँ जो होती है वो होती हैं ढीट, कहती है कि तू हमारे बीच में पहाड़ लगा के खड़ा कर दिया। जैसे बीच में अगर पहाड़ खड़ा हो गया ना तो क्या करती है नदियाँ, पहाड़ को तोड़ के और निकल जाती है। तो जब दोनों कंडीशन में, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों ही कंडीशन में जो नदियाँ होती हैं वो पहले से बनी हुई नदियाँ रहती है, यानी कि पहाड़ों के निर्माण से चली आ रही नदियाँ। और वे नदियाँ जो बीच में अगर पहाड़ आ भी गया तो एकदम ढीठ थी, पहाड़ों को तोड़ के निकल गई, कहीं कि हमारा मार्ग रुकेगा,
तो उसको तोड़ के निकल के उसको बोलाएगा पूर्ववर्ती, यानी कि वे नदियाँ जो पहले से थी और अभी भी वैसे ही हैं, बीच में चाहे पहाड़ आया कुछ भी आया सबको तोड़ के वही रास्ता, अपना मार्ग नहीं बदली, तो पूर्ववर्ती कहलाएंगे। और वही अनुवर्ती मतलब क्या है भैया, अपना मार्ग बदल लिए नदियाँ, क्यों? क्योंकि बीच में पहाड़ आ गया, जैसे ये नदी आ रही थी ऐसे बीच में आ गया पहाड़, तो ये बदल के इधर से भाग गई इधर से जाने लगी। लेकिन वही अगर पूर्ववर्ती नदियाँ रहती तो पहाड़ आया चाहे कुछ भी आया इसको तोड़ के निकल जाती, कहती कि हमारे बीच में कुछ है, मार्ग अपना नहीं बदलेंगे। किसका? पूर्ववर्ती का। और अनुवर्ती जो है अपना मार्ग बदल लेती है, ठीक है, बस दोनों में यही अंतर है। अब पूर्ववर्ती जो नदियां हैं, आप लोग को कई बार पढ़ाया हूँ भारत की नदियों के बारे में, जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो भारत की नदियां हैं, भारत की नदियां वो जो हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी, दो तरह के भारत की भी नदियां हैं। हिमालयन नदियाँ जैसे कि सिंधु है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र नदी है, ये सब नदियाँ जो हैं पहाड़ों को तोड़ के निकली हुई गार्ज बनाते हुए, ठीक है, गार्ज मतलब पहाड़ का तोड़ एकदम गहरा करके निकलता है ना, तो उसी को गार्ज कहा जाता है, ठीक है। तो मोस्टली हिमालयन नदियाँ जो है ना वो गार्ज बनाती हुई निकलती हैं, ठीक है, जब पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती है, इसीलिए इन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहा जाता है, ठीक है। और अनुवर्ती नदियाँ जो है ना वो जो पठारी क्षेत्र से आ रही है और अपना रास्ता बदल बदल के आ रही है। दूसरा क्या, इन नदियों से डेल्टा बनती है, बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण होता है ना, और इन नदियों से डेल्टा छोटा छोटा बनता है। दोनों का कारण भी है, ये पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी भाग में आती है और ये जो पठारी क्षेत्र से, मोस्टली ये जो पठारों में आता और धार, इसका ढाल जो होता है उतना तीव्र नहीं होता, जबकि इसका ढलान जो होता है बहुत तीव्र होता है। अब मान चलिए पहाड़ पर से नदी उतर रहा था, ढलान तेजन हो गए जी, अब वही पठार पर से उतर रहा था, ज़्यादा ढलान होता नहीं है, ठीक है। तो ढलान तीर होने के कारण कटाव ज़्यादा होता है, कटाव ज़्यादा होने के कारण डेल्टा का निर्माण ज़्यादा होगा। दूसरा, ये मार्ग परिवर्तन में गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी नदियाँ गोखुर झील बनाती है? हिमालयन नदी। अब गोखुर क्या होता है, जैसे ये नदी आ गई ऐसे 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 डोलती नदी आ रही, बाद में क्या हुआ कि नदी ऐसे डोलते डोलते आई, बीच में क्या हुआ कि नदी किसी कारण से ऐसे टूट गया, नदी टूट गया और टूट के ये नदी ऐसे घूम के ऐसे आने लगी, ठीक है। अब ये जो साइड में ऐसे जमा हुआ, इसको देखिए गाय के खुर की तरह, गाय के खुर मतलब तो गाय का जो पैर होता है ना उसके खुर की तरह दिखने लगा, इसको बोलेंगे। और नदी से अलग हट गया तो एक तो झील हो गया, दूसरा गाय के खुर की तरह तो गोखुर झील कहा जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली हिमालय नदी द्वारा गोखुर झील का निर्माण होता है, जबकि इसमें देखेंगे तो एक तो डेल्टा कम बनाता है, दूसरा ये नदियाँ प्रौढ़ अवस्था में होती है, प्रौढ़ अवस्था में होती है, ठीक है। प्रौढ़ अवस्था आप पढ़े होंगे सीटेट में, बाल अवस्था, पहले तो शिशु अवस्था, बाल अवस्था, उसके बाद से प्रौढ़ अवस्था, ठीक है ना, किशोर अवस्था के बाद आता है प्रौढ़ अवस्था, उसके बाद से आता है वृद्धावस्था, ठीक है। तो ये नदियाँ क्या होती है, प्रौढ़ अवस्था में होती है, कौन सी, पठारी नदियाँ। ये अपना मार्ग बदल के क्या करती है, गोखुर झील बनाती है, और ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ, मतलब ये इतना मार्ग नहीं बदलती। ये मार्ग क्यों बदलती है, क्योंकि ये ऊपर से आता है ना ज़्यादा ढाल से, तो ये एकदम डोलते डोलते घूमते फिरते आता है, पूरा झूमते हुए आता है। ये अत्यधिक जल ग्रहण करने के कारण, बाढ़ के कारण बनती है, इसमें बाढ़ कम आता है क्योंकि इसमें जल ज़्यादा होता ही नहीं है। यहाँ देखिए कौन कौन से हिमालय नदी है, गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा, बागमती, ये सब क्या है, हिमालय नदियाँ। जबकि पठारी नदियाँ सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय और एक और नदी क्यूल, ठीक है, क्यूल यहाँ छूटा हुआ है, क्यूल भी इसको कर लीजिएगा, ये सब पठारी नदियाँ है ना। आगे जी यहाँ देखिए यहाँ पर जैसे क्यूल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये नदियाँ का जो मैप दिया है इसको एक बार एक झलक आप देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। जैसे घाघरा नदी, ये घाघरा नदी, अब ध्यान से अगर आपको जिला मालूम रहता तो बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं। जैसे ये है पश्चिमी चंपारण, उसके बाद ये है पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, ये है किशनगंज, ठीक है, उसके बाद से किशनगंज के बाद यहाँ पर पूर्णिया, कटिहार, ठीक है, और नीचे में आएंगे तो यहाँ पर है, ये है गोपालगंज, सिवान, और ये सिवान के बाद दिया जाएगा सब छपरा या निसारण। तो जो ये घाघरा नदी जो आ रही है, ये आ रही है छपरा या निसारण जिला में आ रही है, ठीक है। ये हो गया गंडक नदी जो चंपारण से प्रवेश किया और ऐसे प्रवेश करते हुए आके ये गंगा नदी मिल रही है। फिर बूढ़ी गंडक, उसके बाद से बागमती। ध्यान से देखेंगे तो देखिए बूढ़ी गंडक जो नदी है ये ऐसे ऐसे आते हुए ये आके ऐसे मिल गया, लेकिन बागमती और कमला दोनों देखिए, बागमती और कमला देखिए, आया ऐसे मिला और कमला भी ऐसे मिला, और दोनों जगह कहाँ मिल रहा है, किससे मिल रहा है, कोसी नदी से आके मिल रहा है, किससे मिल रहा है, ये कोसी नदी से। उसके बाद देखिए, उसके बाद है ये मेची नदी जो कि आके मिलती है किस में, महानंदा में। तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि महानंदा की सहायक नदी कौन सी है, मेची नदी। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कोसी की सहायक नदी कौन सी है, तो कमला और बागमती। एक बार बीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गंगा में उत्तर की तरफ से आके मिलने वाली निम्न में से कौन सी नदियाँ थी, कौन सी नदियाँ हैं,
तो करमनासा था, सोन था, पुनपुन था और कोशी था। नहीं कोशी नहीं था ऑप्शन में, कमला था, याद रखिएगा ठीक है। कोशी तो मोस्टली लोग जानते हैं, कमला ऑप्शन में था। तो उत्तर की तरफ से आके मिलने वाली कौन सी नदी है, ये कमला है ठीक है ना। उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है ठीक है। उसी तरह नीचे वाला भी करके पूछता, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ठीक है। आगे अब नीचे वाली भी नदी देख लेते हैं लोग। ये है करमनासा नदी, कौन सी नदी है, करमनासा। ऐसा माना जाता है कि ये धार्मिक अवधारणा है, धार्मिक ये चीज़ें हैं, पुरानी कहानी है, कथाएँ हैं कि इसमें नहाने से क्या होता है कि कर्म जो होता है ना, कर्म का नाश हो जाता है, मतलब कर्म फूट जाता है आपका। उसके बाद सोन नदी है, याद रखिएगा बिहार के सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना सोन परियोजना, जो आगे आएगा बताऊंगा ठीक है, इसी में बताऊंगा। उसके बाद से पुनपुन नदी है, पुनपुन है, निरंजना है फालु, जिसको फालगु नदी भी कहा जाता है। अब देखिए निरंजना और फालगु एक ही नदी है, इसमें एक नदी आके मिलती है मोहाना ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि निरंजना या फालगु नदी का की सहायक नदी कौन सी है, तो मोहाना। उसके बाद क्यूल है, उसके बाद यहाँ पर है अजय नदी। नाम ये देखिए नदी बना दिया लेकिन नाम नहीं दिया हुआ, तो याद रखिएगा ये अजय नदी है। कौन सी नदी है, अजय ठीक है। आ गया जी, अब एक एक करके यहाँ देखेंगे लोग। गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड में, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर, यानी 4-4-5 किलोमीटर। वही घाघरा जो है ये तिब्बत से निकलती है ना। सारण जिला जो है उसमें, सारण जिला के जो जिला है यानी जो अभी मैं बता रहा था छपरा यानी सारण जिला, वहाँ पर जाके मिल जाती है किसे, गंगा नदी से मिल जाती हैं। और गंगा नदी की जो लंबाई है वो 83 मतलब सॉरी गंगा नदी ये घाघरा नदी की जो लंबाई है वो 83 किलोमीटर है बिहार में। गंडक की जो लंबाई है बिहार में, तो ये नेपाल से निकलता है, गंगा में मिलता है ना गंडक नदी, और ये सोनपुर में मिलता है, और ये 260 किलोमीटर है ठीक है इसकी लंबाई। उसके बाद बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है ना। ये बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल कहाँ है भैया, तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो बिहार में ही है, चंपारण जिला में। तो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली जो नदियाँ है वो है बूढ़ी गंडक, जो खगड़िया में जाकर गंगा से मिल जाती है, 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट आज बागमती देखेंगे। ये महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है। अब यहीं से क्वेश्चन पूछा था कि महाभारत श्रेणी कहाँ की है पहाड़, अब देखिए यहाँ से अब बताइए महाभारत श्रेणी पूछा था, एक तो ये नेपाल से है, दूसरा महाभारत श्रेणी से क्या फेमस है। अगली बार क्वेश्चन पूछ दे कि नेपाल की महाभारत श्रेणी से निम्न से कौन सी नदियाँ निकलती है, तो बागमती नदियाँ निकलती है। किसकी सहायक है, तो कोशी की सहायक नदी है। इसका जो मुहाना है ना, मतलब मुहाना क्या है, मतलब किमें जाके अपना मुंह मिला लेती है, तो किस में भैया, तो कोशी में जाके मिल जाती है बागमती। टोटल इसकी लंबाई जो है 294 किलोमीटर है। एक और चीज़ इससे बताऊंगा, अभी ध्यान से देखिएगा। अब ये कमला नदी को देखेंगे, कमला क्या भैया, ये भी महाभारत श्रेणी से निकलती है, ये भी कोशी में जाके मिल जाती है। इसकी जो लंबाई ज्ञात नहीं है क्योंकि हमेशा ये बदलते रहता है ठीक है। अब ये कोशी नदी के ये निकलता, कोशी नदी जो है ये कहाँ से निकलता है भैया, गोसाई स्थान नेपाल से निकलता है। गंगा और कुर्सेला, जो कुर्सेला जो कटिहार जो क्षेत्र है, यानी कि गंगा मतलब कह रहा क्या कि गंगा का वो क्षेत्र है, वो जगह जहाँ जो कि कटिहार का कुर्सेला जगह है, वहाँ पर ये कोशी नदी आके मिलती है। यानी कटिहार के कुर्सेला में, कुर्सेला में आके मिलती है कौन, कोशी नदी मिलती है। उसके बाद लिखा है ये 260 किलोमीटर है, 260 किलोमीटर। अब यहाँ तक तो चीज़ें समझ गए। अब पठार की दक्षिण साइड की नदियाँ देखेंगे लोग, महानंदा। अब एक और बचा, महानंदा जो है सबसे ईस्ट साइड की जो नदी है बिहार की, सबसे पूरब साइड की वो महानंदा है, उत्तर की दिशा से आने वाली नदी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी है ना, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी है, उसी पहाड़ी से ये नदी निकलती है, महानंदा पहाड़ी। और ये गंगा, जो गंगा में कहाँ से मिलती है, तो मालदा में जो जगह है वहाँ से मिलती है। अब देखिए मालदा जो है ना पश्चिम बंगाल, अब ये कैसे हो गया, आप अगर ऊपर में ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें समझ आती। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ जादू देखिए, बता रहा हूँ। ये जो नदी आ रही है ये कौन सी नदी है, महानंदा। ये देखिए महानंदा आई बिहार में, आई बिहार में, बिहार से देखिए बाहर निकल के मिल गई गंगा में, आ गई, दिख रहा है आपको। मतलब क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्न से कौन सी नदियाँ जो बिहार में प्रवेश करती है किंतु गंगा में वो पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है, ठीक है। तो वो नदी कौन सी है, तो ये नदी है महानंदा नदी। आ गया जी, अब एक और इसमें चीज़ छुपा हुआ है, वो चीज़ें आप नहीं देखेंगे। हालांकि पूछेगा बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बिहार की सबसे लंबी नदी आपको दिख रहा है ये गंगा नदी, जो गंगा नदी है 445 किलोमीटर है इनकी लंबाई। लेकिन
क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। दूसरी सबसे लंबी नदी दिख रहा है आपको, बागमती 394 किलोमीटर, देख रहे हैं जादू है ना। ये इतनी कमाल की ये चीज़ें इसमें दी गई है इसमें और ये इस बुक में है ना, कि बहुत सारी चीज़ें आपका हु बहुत क्लियर हो जाएगा। और इस सब चीज़ को एकदम पकड़ के रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी प्रीवियस ईयर में। लास्ट में मैं कराऊंगा, आज अगर संपन्न हो पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं संपन्न होगा तो कल भी आएगा ये चीज़ें। मैं कराऊंगा जो PYQ ना, तो आपको खुद दिखेगा कि बीपीएससी कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। ठीक है, तो समझ आ गया। सेकेंड में सबसे लंबी नदी बिहार की कौन सी है, तो बागमती है। अगला जी, अब गंगा नदी के बारे में एक एक करके समझेंगे लोग। गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से तो निकलती है, सबको पता है, उत्तराखंड में, कुल भारत में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग के में अलकनंदा और भागीरथी दोनों के मिलने के बाद इसका नाम जो गंगा नदी जो है, इनका नाम जो है क्या पड़ा, अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद। अलकनंदा नदी जो है और भागीरथी नदी जो मिलता है उसके बाद, मिलने के बाद इस नदी का नाम पड़ गया गंगा नदी। गंगा बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर के समीप पे मतलब सीमा बनाते हुए, बॉर्डर बनाते हुए बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। कितने जिले से टोटल गुजरती है, 12 जिला से। अभी कहानी क्या बता रहा है यहाँ बता रहा हूँ। आज अगेन कह रहा है कि भैया ये जो गंगा नदी ऐसी आई, गंगा नदी ये बक्सर के चौसा से घुसी, मौसा के संगे मतलब है ना, चौसा से एंटर की और ये गंगा नदी जो है यहाँ पर घूमते हुए जा रही है और कहाँ गई। अब उसके बाद ये गंगा नदी आई ये पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे भैया, तो ये है कटिहार और ये है भागलपुर। ठीक है, तो कटिहार और भागलपुर से बॉर्डर बनाते हुए निकल गई, चली गई कहाँ पे भैया, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये चीज़ें समझ आ गया आप लोगों को। दूसरा क्या चीज़ दिया गया था कि 12 जिला इससे गुजरती है। 12 जिला मतलब क्या भैया, 12 जिला जो है ये यहाँ से देखेंगे तो 6 जिला है और नीचे से देखेंगे तो ये 6 जिला है, 12 जिला। और इस सब के बारे में बहुत डिटेल्स आप सभी को बताया हूँ। आ गया जी, इसकी सहायक नदी जो है बिहार की, बिहार नदी की सर्वाधिक लंबाई जो है बिहार में, गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिला में, क्योंकि देखिए गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई पटना जिला में है नहीं, उसे मतलब नहीं है, पटना का ही लंबाई ज़्यादा है। कैसे लंबाई ज़्यादा है भैया, तो पटना का डिज़ाइन जो है ना ऐसे है, पटना के डिज़ाइन ऐसे ध्यान से देखिए, इसीलिए पटना में गंगा नदी का जो बहाव है वो ज़्यादा है। उसके बाद इसकी सहायक नदी है घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, सोन है, पुनपुन है, आदि जो नदियां हैं बिहार के गंगा में मिलती हैं, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है। ओ दोनों के समझिएगा, महानंदा और अजय ना, ध्यान से देखिए, महानंदा जो ऊपर से आते होने नदी और अजय में नीचे जाने वाली नदी, दोनों नदी जो है बिहार की नदियां, लेकिन बाहर से जाके बिहार में, बिहार से अलग हटके दूसरे राज्य से मिलती है, गंगा में प्रवेश करती है। ठीक है, बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लास्ट मतलब बंगाल खाड़ी में जाके मिल जाती है गंगा नदी। अब ये घाघरा नदी मानसरोवर जो जगह है जो तिब्बत में, मानसरोवर जो झील है वहाँ से, उसी के पास से ये जो घाघरा नदी जो है निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है, सारण में जाकर मिल जाती है कौन, घाघरा नदी। अन्य नाम इसका सरयू नदी है जो कि उत्तर प्रदेश में कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे जो घाघरा नदी का ना, इसको उत्तर प्रदेश में सरयू नदी भी कहा जाता है। ठीक है, गोगरा करनाली नेपाल आदि में इसके अन्य नाम क्या है, तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस नदी का अन्य नाम, मतलब अन्य नाम है निम्न में से, तो सरयू, गोगरा, करनाली, ये सीधे क्वेश्चन पूछ दे। घाघरा का अन्य दूसरा नाम क्या है, घाघरा नदी का अन्य दूसरा नाम क्या है, सरयू है, गोगरा है, करनाली है। ठीक है, तो सब कुछ है। ठीक है, इसके सहायक नदी राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भोहरी, सेती आदि है। अब गंडक देखेंगे, गंडक को नारायणी नदी भी कहा जाता है। सप्तगंडकी शालिग्रामी नेपाल के नाम में भी जाना जाता है, यानी शालिग्राम और सप्तगंडकी इसको गंडक के नाम से जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी अन्नपूर्णा श्रेणी को पार करते हुए गार्ज बनाते हुए बिहार के भाईसा लुटल पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है, कौन नदी, गंडक नदी। उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है, इसमें काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक आदि इसकी सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक जो है सुमसर श्रेणी से निकलती है, इसका अन्य नाम जो है वो सिकराना है, याद रखिए सिकराना मतलब बूढ़ी गंडक। इसकी सहायक नदियाँ मसान, बालूर, तिकूर, धनौती आदि। आ गया जी,
अब बागमती समझे गए लो, बागमती नेपाल की महाप्रसरणी से भी निकलती है, सीतामढ़ी के जिले में प्रवेश करती है, गंगा में जाकर विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक मिलती थी लेकिन अब वह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसके सहायक नदियाँ लालबकिया, लखनदे, मनोहरा, धरवारा, विष्णुपति आदि हैं। भाई ये कोसी नदी देखें, ये सप्त कोशिकी भी कहा जाता है इसे नेपाल में, वहाँ से ये नदी निकलती है ना, बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला में गंगा नदी का विलीन हो जाती है, यानी कुर्सेला में जाके गंगा नदी क्या होती है, विलीन हो जाती है जो सुपौल नदी में। अगला लिखा है कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए उस बिहार का सूक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। महानंदा नदी देखेंगे तो यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार होते हुए पश्चिम बंगाल में गंगा में प्रवेश करती है। पैनोर, नागर, बलासर, मोची है। अब क्रमनाशा देखेंगे तो क्रमनाशा की उत्पत्ति जो है वो विध्वंस की पहाड़ियों से है जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारण करती है। नेक्स्ट है सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, भैया तो अमरकंटक की पहाड़ियों से है और इस बीच से निकलती है, उसके बाद से ये बिहार में प्रवेश करती है रोहतास जिला में। नेक्स्ट है जी यहाँ लिखा है कि यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, तो दूसरी दक्षिणी जो सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। आ गया जी यहाँ पर सोन नदी, डेहरी बैराज है, इंद्रपुरी बैराज है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी, यह झारखंड के पलामू जिले में छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा बिहार का औरंगाबाद, जहानाबाद एवं फतुआ गंगा नदी में मिल जाती है। फाल्गुन नदी है, फाल्गुन नदी को लीलाजन या निरंजना या मोहना नदी भी कहा जाता है। यानी क्या फाल्गुन नदी, गया में फाल्गुन नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है। क्वेश्चन पूछ सकता है विष्णुपद मंदिर निम्न में से कौन सी नदी के किनारे है, तो फाल्गुन नदी के किनारे है। यह विस्तृत दौरान लाखों की संख्या में हिंदू तीर्थयात्री यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ लिखा है कि फाल्गुन नदी भारत का सबसे बड़ा रबर डैम ग्याजी डैम कहा जाता है, तो फाल्गु नदी पर सबसे बड़ा रबर डैम जो है वो ग्याजी डैम कहा गया जाता है। फाल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ये लिख रहा है कौन सी नदी किनारे कौन सा जो नदियां है वो उसके किनारे में बसा हुआ जो शहर है, पटना जो है गंगा नदी, मुकामा गंगा, मुंगेर गंगा, भागलपुर जो है गंगा नदी, बक्सर गंगा, छपरा उसके बाद देखेंगे तो छपरा जो है घाघरा नदी छपरा में, हाजीपुर में गंडक नदी, सोनपुर में गंडक, जबलपुर बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट है जी अब बिहार की नदी घाटी परियोजना देख लेते हैं लोग। जल प्रबंधन उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया। सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी ये 3 तरह की नदियां जो है बाढ़ नियंत्रण के लिए हैं। सोन परियोजना का निर्माण जो है 1874 ईस्वी में डेहरी रोहतास में किया गया था। सोन बहुउद्देशीय परियोजना कब शुरू की गई थी, 1874 ईस्वी में। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दो नहरों को दोनों किनारे की ओर निकली गई। पूर्व सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, पूर्व सोन नहर से देखेंगे तो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, उसके बाद देखेंगे तो पश्चिमी में देखा जाएगा तो ये हो जाएगा रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिले में सिंचाई की जाती है। अब गंडक की परियोजना देखेंगे लो, गंडक परियोजना जो है ना ये बिहार और नेपाल के दोनों के साथ मिलकर लगाया जा रहा है और ये चलाया गया था। और ये परियोजना जो 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ, इस परियोजना के तहत कार्य डैश में प्रारंभ हुआ, तो कब प्रारंभ हुआ याद रखिएगा 1960 है प्रारंभ हुआ, ठीक है। इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इस परियोजना के अंतर्गत जो है नेपाल में भारत नेपाल की सीमा पर क्या है, भैंसा लुटल के पास में गंडक नदी बांध का निर्माण एवं जलाशय का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है जी यहाँ लिखा है कि पूर्व नहर 3 भागों में विभक्त है, तिरहुत, त्रिवेणी एवं दून नहर।
अब आएंगे यहाँ, देखेंगे कोसी नदी परियोजना 1953 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है जी, यहाँ कुछ जलप्रपात दिए गए, झील दिए गए और उस नहरें दी गई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, गर्म कुंड है, इसको एक एक करके जो तेलो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, जलप्रपात काकोला जलप्रपात नवादा, और ये ठंडा जल के लिए फेमस है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास, ठीक है। करमनासा बक्सर जिला में है, करमनासा जलप्रपात। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में। मंझर कुंड जलप्रपात सासाराम रोहतास में। जी आर कुंड जलप्रपात भोजपुर। नेक्स्ट है जी, अब झील देखेंगे तो कांवर झील बेगूसराय में है। गगाविल या घोगा झील कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा झील राजगीर में है। अनुपम झील कैमूर में। सिमरी झील सहरसा में। जगतपुर झील भागलपुर में। मोती झील मोतिहारी में। सरैया मन बेतिया में। पिपरा मन मोतिहारी में। अब यहाँ नहरें दी गई, त्रिवेणी गंडक तिरहुत गंडक। कोसी जो है वो पूर्व कोसी कोसी हो जाएगा, पश्चिमी कोसी भी कोसी होगा। नेक्स्ट है जी, यहाँ ये गर्म कुंड है तो राजगीर में गर्म कुंड है। कौन सी? ब्रह्म कुंड, जो बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है। इसके बाद सप्तधारा है, मखदुम कुंड है, गोमुख कुंड है, सूर्य कुंड है, नानक कुंड है। मुंगेर में देखेंगे तो मुंगेर में जो गर्म जल कुंड है वो है लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जनम कुंड। गया में है कौन सा भैया? तो अग्नि कुंड है। अब ये हो गया हम लोग का बिहार की नदियाँ कंप्लीट। अब बिहार का बचा मिट्टी, बिहार का वन, बिहार की कला संस्कृति, इसको भी बहुत जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो इसको कंटिन्यू देखते रहिए, यहाँ तक अगर आ चुके होंगे तो हम लोग जो है बहुत ज़बरदस्त सेशन लेके आने वाले लोग आप लोग के लिए, जो है टोटली जो है NCERT इस बार कवर रहेगा। और जित मैक्सिमम जो क्वेश्चन बन सके है ना, उसको टच करने की कोशिश करूँगा। और लास्ट में एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले आप लोग आएगा हैंड राइटिंग नोट्स वन लाइनर करके, और वो जो नोट्स हैं वो जो बनवा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनवा रहा हूँ, है ना। तो लगभग आप लोग एक महीने का मैं प्लानिंग कर चुका हूँ, एक महीने आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिएगा तो बहुत सारी चीज़ें धमाकेदार होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ें नए नए जानने के लिए मिलेगा, बहुत सारे PYQ को उसमें रिसर्च किया जाएगा, हर चीज़ एवरीथिंग इज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही वीडियो के एंड करते हैं, फिर किसी दूसरी क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, सलाम अलैकुम, जय हिंद, जय भारत।